हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं और इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट यूवी फिल्टर फॉर किसके लिए, निकॉन के लिए भाई लोग, निकॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बता देता हूँ, जाते जाते प्लीज़ सपोर्ट जरूर, अभी सपोर्ट नहीं करें, सिर्फ देख के चल जा रहे वीडियो को, बताइए ऐसे कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए यार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये प्रोडक्ट है, तो हम लोग, मैं इसे अब निकाल चुका था उसे देखने के लिए, तो हम इसे साइड करते हैं। तो ये रहा इसका बिल, ये रहा इसका बॉक्स पैकेजिंग, ठीक ही है बॉक्स पैकेजिंग, क्या बोला, ठीक है। ये रहा इसका प्रोटेक्टर, यूवी प्रोटेक्टर ये इसका, आप देख सकते हैं पैकेजिंग। तो चलिए अब इसे हम लोग अब माउंट करते हैं अपने कैमरे में, निकॉन D56। चलिए अब इसे ये बेसिकली होता है, ये जो डस्ट हो जाता है ना, यहाँ पे डस्ट लग जाता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि डस्ट एक बार चल जाने के ऊपर लेंस में तो बहुत प्रॉब्लम होता है, लेंस खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि खर्चा भी बहुत है इसे बनवाने में, देख सकते हैं। चलिए तो लगाते हैं इसे, इसे हम लोग फिट करते हैं इसमें, तो चलिए इसे हम लोग ओपन करते हैं। ये आपका 70-300 mm वाला लेंस के लिए है, अभी मैं 18-55 के लिए नहीं मंगाया हूँ, लेकिन मंगाऊँगा भी और दिखाऊँगा भी, एक और वीडियो है, तो आप देख सकते हैं ये लेंस है, देख पूरा क्लियर ग्लास। और ये अमेजोन बेसिक्स का कंपनी, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम फिट करते हैं। तो इसे क्या करना है, देखिए यहाँ पे थ्रेड बना हुआ है इसका, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे थ्रेड बना हुआ है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का थ्रेडिंग, हल्का हल्का एकदम दिखता है। तो चलिए इसे हम लोग लगा देते हैं, इसी में ही फिट कर देना है ऐसा, और ट्विस्ट कर देना है, बस ट्विस्ट करना है, जैसे बोतल कैप बंद करते हैं ना, सेम वैसे ही, तो इसे बस ट्विस्ट करते रहना है। तो देखिएगा अब ये हम लोग का लेंस प्रोटेक्टर लग चुके हैं, ये फिल्टर भी लग चुके हैं। तो इसका सैंपल में कुछ कुछ आपको दिखाऊंगा, क्लियर शॉट भी आता है, ऐसा नहीं कि इसमें दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बता देता हूँ। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, कि आपको कुछ भी चाहिए होगा, मतलब हेल्प चाहिए होगा, तो फिर आप मुझे कह सकते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्टर बाय करना चाहते हैं, तो कमेंट डाउन कमेंट में पूछ जरूर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। थैंक यू फॉर break down, I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now, I won't ever let my thoughts get